डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर। आज स्टूडेंट्स हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और नर्स्ड हीट थ्योरम पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है? तो पहले हम देखें कि अगर हम स्थिर दाब रखते हैं तो किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी में ताप के साथ जो परिवर्तन है, हम उसको लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या है? ds बराबर cp अपॉन t dt। अगर हम एक ठोस पदार्थ लें और उसको 0 केल्विन से यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 केल्विन से t केल्विन तक स्थिर दाब पर गर्म करते हैं और ताप t ठोस के गलनांक से कम है, इसका मतलब अवस्था नहीं बदल रही है, ठोस अवस्था में ही 0 केल्विन से t केल्विन तक रख रहे हैं, तो ठोस 0 केल्विन स्थिर दाब पर और ठोस t केल्विन स्थिर दाब पर। तो इस दोनों प्रक्रम में अगर एंट्रोपी में परिवर्तन को हम डेल्टा s बराबर st माइनस s0 लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट्स में 0 से t cp अपॉन t dt, या st बराबर s0 प्लस cp अपॉन t dt लिमिट्स के साथ 0 से t। तो S0 जो है वो क्या है? परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान है, जो कि एक काल्पनिक राशि है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो Cp अपॉन T का मान हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए जब ताप बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी का मान या S0 का मान भी बढ़ेगा। तो प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1913 में ये कहा कि अगर हम शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ लेते हैं तो उन ठोस पदार्थों में एंट्रोपी का मान हमेशा शून्य होता है, और इसको उन्होंने ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहा। तो तृतीय नियम के अनुसार शुद्ध एवं पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान परम शून्यता पर शून्य होता है, यानी हम क्या ले रहे हैं? 0 केल्विन। तो S limits of T is equals to 0, तो क्या हो जाएगा? Approaches to 0 is equals to 0, यानी T 0 है तो S0 भी 0 होगा। तो हम ST को लिख सकते हैं 0 से T की limits के साथ CP dln T। ST क्या बता रहा है? ये ठोस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी परम निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है, और जो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको हम क्या कहते हैं? तृतीय नियम की एंट्रोपी भी कहते हैं। तृतीय नियम प्रथम एवं द्वितीय नियम के अनुसार कई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी ही काम में आती है। अब जूल थॉम्सन ने जो है वो नर्स्ड हीट थ्योरम दी थी, और नर्स्ड हीट थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नर्स्ड हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ दो चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा जी जो क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन। तो क्या कह रहा है कि जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, और साथ ही साथ डेल्टा जी और डेल्टा एच के बीच एक रिलेशन भी दिया गया। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अभिक्रिया को हमने स्थिर दाब पर कराया है, और स्थिर दाब पर जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम गिब्स ऊष्मा और एंथैल्पी में ये एक संबंध दिखाई देता है, और इसको हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे अलग अलग ताप पर अगर हम कोई डैनियल सेल लेते हैं और उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो हम निश्चित दाब पर डेल अपॉन डेल्टा जी डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान ताप घटाते जाते हैं। ताप घटता जाता है
तो इस वैल्यू का मान भी धीरे धीरे घटता जाता है और फिर वैसे ही डेल्टा जी का मान और डेल्टा एच के मान एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी डेल्टा जी ताप बढ़ा घटाने के साथ घटती जाती है और वो डेल्टा एच की वैल्यू के ज़्यादा करीब आ जाती है। यानी एस टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, या डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो कब, जब टी इज इक्वल्स टू जीरो केल्विन। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उस वक्त डेल्टा जी और डेल्टा एच के मान एक समान होते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमने एक ग्राफ खींचा है किसके बीच में, डेल्टा जी या डेल्टा एच और टेम्परेचर के बीच में। जैसे जैसे आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम ताप को कम कर रहे हैं यानी हम लेफ्ट साइड में चलते जा रहे हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा जी के मान एक दूसरे के काफ़ी एक समान होते चले जा रहे हैं और जीरो टेम्परेचर पर ये एक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र में ताप को परम शून्य तक करने पर इतना कम कर दें तो डेल्टा डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान क्रमागत या उपगामी रूप में यानी एसिम्प्टोमेटिकली घटते हुए शून्य की ओर चला जाता है और इसी को हम नर्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। यानी डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर ताप के साथ जो घटने की प्रक्रिया है और जीरो तक पहुंचने की प्रक्रिया है उसको हम नर्स्ट हीट थ्योरम कहेंगे। क्या कह रहा है और यह सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर न केवल डेल्टा जी और डेल्टा एच के मान एक समान हो जाते हैं बल्कि परम शून्य के निकट के तापों पर भी, देख सकते हैं हम ग्राफ से, शैने शैने इनके मान एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो नेस्ट की थ्योरी क्या कह रही है, व्हेन टी अप्रोचेस टू जीरो लिमिट में तो डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इस नर्स्ट हीट थ्योरम से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस, ये हमारा लॉ है पहले का। और नर्स्ट के थ्योरम के अनुसार जब परम शून्य ताप है तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब परम शून्य ताप होगा तो एंट्रोपी का मान भी ज़ीरो हो जाएगा या एस टू माइनस एस वन भी ज़ीरो हो जाएगा, या हम कहें कि जब टी टेम्परेचर परम शून्य ताप जीरो होगा तो उस वक्त एस टू बराबर एस वन होगा यानी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम नर्स्ट थ्योरम का दूसरा रूप भी कहते हैं। तो दूसरे रूप में क्या हुआ कि परम शून्य ताप के क्षेत्र में सारे प्रक्रम में कोई एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता। दूसरे तरह से अगर हम देखना चाहें तो सीपी क्या है, ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर, और एच के बीच भी एक संबंध है कि डेल सीपी बराबर डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब नर्स्ट की हीट थ्योरम के अनुसार परम शून्य ताप पर डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी एट कांस्टेंट प्रेशर ज़ीरो है, तो इसका मतलब डेल्टा सीपी भी ज़ीरो हो गया लिमिट्स के साथ टी बराबर ज़ीरो, या लिमिट्स के साथ टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पे सीपी टू माइनस सीपी वन बराबर ज़ीरो, यानी पहले सिस्टम और दूसरे सिस्टम में। तो हम कह सकते हैं कि सीपी टू इज इक्वल्स टू सीपी वन कब,
जब हमारा ताप परम शून्य ताप है, तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि परम शून्य ताप के आसपास ऊष्माधारिताओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दो कंक्लूजन निकाले कि परम शून्य ताप पर ना तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन होता है और ना ही ऊष्माधारिताओं में कोई परिवर्तन होता है। अब हम तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, यानी हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं रेजिडुअल अपशिष्ट एंट्रोपी का क्या है। तो ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम थर्ड लॉ किन पे लागू होता है, जो परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्रिस्टलीय हो, यानी उनका एक व्यवस्थित विन्यास होना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार से विभिन्न जालकों में लैटिसेस में अरेंज किया गया है। यदि क्रिस्टल प्योर है तो उसमें सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी एक जैसी होती हैं, तो उस स्थिति में हम इनको सिर्फ W से लिख सकते हैं। तो W बराबर N अपॉन N या दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हमने रिलेशन निकाला था एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी का, तो वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। S बराबर के एल एन डब्ल्यू, डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कैसी है, एक है, क्योंकि सारे तरफ एक ही जैसा पाया जाता है। तो S बराबर के एल एन वन, वन लॉग जीरो, तो S बराबर जीरो हुआ। तो यही हमारा ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम है कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। अगर हम सपोज करते हैं कि प्योर क्रिस्टल है पर उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, A और B दो प्रकार के हैं, तो उस स्थिति में हमारी प्रोबेबिलिटी या प्रारूपता या रेजिडुअल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, n डिवाइडेड बाय n a और मल्टीप्लाइड बाय n b, यानी a और b दो तरह के, जहाँ n साइड्स की संख्या, कितने तरह के लैटिसेस हो सकते हैं, और n a और n b जो है वो परमाणुओं की संख्या है। तो अब इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल जो है उसकी जो एंट्रोपी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी या अपशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं, जिसको हम कैसे देंगे, S ऑफ रेजिडुअल इज इक्वल्स टू K ln ब्रैकेट में N अपॉन N A N B, जो कि लैटिस के कॉम्प्लेक्शंस हैं। अब अगर हम देखें तो किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और ये बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि हमने क्रिस्टल लिया है प्योर ए प्लस प्योर बी, तो उसको मिक्स किया तो एक मिश्रित क्रिस्टल बन गया जो ए बी कहलाता है, और इस पूरे प्रोसेस में जो एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ उसको हमने लिखा डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर। तो किसके बराबर हो गया, एंट्रोपी ऑफ मिक्स क्रिस्टल माइनस एंट्रोपी ऑफ दोनों प्योर क्रिस्टल, प्योर ए माइनस प्योर बी, माइनस ऑफ ब्रैकेट में लगाएंगे एंट्रोपी ऑफ ए प्लस एंट्रोपी ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान शून्य है, इसलिए वो तो शून्य हो गया। मिश्रित का एन के, और मिश्रित किसी भी चीज़ होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोल फ्रैक्शंस, तो एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी, ये हम मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी में पहले पढ़ चुके हैं, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। अब रेजिडुअल एंट्रोपी या अपशिष्ट एंट्रोपीज के एग्जांपल्स हैं, तो कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम माने कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं तो इनमें परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि ये क्रिस्टल होते हुए भी इनके अरेंजमेंट्स जो हैं वो उतने सिस्टमैटिक या व्यवस्थित नहीं होते, कुछ डिसऑर्डर मिलता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम मानते हैं कि क्रिस्टल ऐसा होना चाहिए CO CO CO, इस तरह से जुड़ा हुआ
जैसे कि डायग्राम में है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं और दो तरह के हो जाते हैं, एक में CO हो जाता है और दूसरे में OC हो जाता है, और फिर मिश्रण बना लेते हैं, और मिश्रण बनाने से फिर इसमें एक मिक्स वाला रेजिडुअल एंट्रोपी हो जाती है। तो इस तरह के केस में एंट्रोपी का मान 0 ना होकर पॉजिटिव होता है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड में भी NO और ON दो तरह के हो जाते हैं, और यहाँ भी एंट्रोपी का मान फिर पॉजिटिव होता है। तो क्रिस्टलों में अगर थोड़ी सी भी अव्यवस्था हो जाती है तो फिर वो तृतीय नियम का पालन नहीं करते। अब हम इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी डाटा। किसी भी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, निश्चित ताप पर एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हमें गणना करनी है तो हम उसकी गणना इस तरह से करते हैं। यानी हमें एक ठोस पदार्थ है उसको क्वथनांक के उच्च ताप तक अगर गर्म करना है तो उसको क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के बीच में और जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सब को यूज़ या इन्वॉल्व करना होगा। क्या परिवर्तन हो सकते हैं? मान लो एक स्टेट से, एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में होगा, फिर फ्यूज़न होगा, मेल्ट होगा, उसके बाद बॉयल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपराइजेशन। तो अब यह देखो आप कि S किस किस के बराबर हुआ। 0 से T की लिमिट में पहला हमने लिया है CpS(T/T dt) प्लस डेल्टा H ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की ऊष्मा, डिवाइड बाय T। फिर दूसरे स्टेप में लिया है CpS(S2/T dt प्लस डेल्टा HF/Tm, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पर हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा। तीसरा स्टेप लिया है Tm से T2 CpL/T dt, यानी अब जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया ठोस से द्रव अवस्था आ गई तो लिक्विड हो गया, प्लस डेल्टा HV/Tb, यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन, संघनन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा। प्लस अब क्या आ रहा है Tb से वो टेम्परेचर जहाँ तक हमको स्टडी करनी है, तो Cp of gas/T। तो किसी भी ठोस से गैस अवस्था तक आने के लिए अगर हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मान कैलकुलेट करना है तो हमें उसमें इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा। तो ग्राफ में T0 से लेकर T तक के बीच में इतने सारे फेजेस आ रहे हैं, डेल्टा H1, डेल्टा HF, डेल्टा HV क्या है, संक्रमण की, गलन की और वाष्पन की ऊष्माएं हैं। अब ST एक्यूरेट मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था के लिए हमें CP का मान सही सही प्राप्त होगा, तभी हम ST का मान निकाल सकते हैं। और CP का सही सही मान परम शून्य ताप पर कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर CP का मान निकालने के लिए हम पहले CP के कुछ हायर टेम्परेचर्स पर वैल्यू निकालते हैं और फिर हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, CP एंड LNT या CP/T और T के बीच में जो पिछला ग्राफ था। फिर हम एक्सपोनेंशियल से एक ग्राफ खींचकर और फिर हम CP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। CP और CV का मान क्योंकि परम शून्य ताप है तो CP और CV यानी स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिताओं के मान लगभग एक समान होते हैं, इसलिए हम CP की जगह CV का भी यूज़ कर सकते हैं और CV बराबर ATQ। ये हमारा A कांस्टेंट है,
तो यदि एंट्रोपी के मानों की गणना 298 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर की जाती है तो हम उस एंट्रोपी को मानक एंट्रोपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी कही जा सकती है। ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से उनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने 2 मोल बर्फ को जल में रूपांतरित करने में होने वाली एंट्रोपी की गणना करनी है, कैलकुलेट करना है, और हमें गलन की ऊष्मा यानी फ्यूजन की ऊष्मा हमें दी हुई है 334.7 जूल प्रति ग्राम। तो सबसे पहले डेल्टा एच एफ, क्योंकि फ्यूजन हमें दिया हुआ है, तो डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। डेल्टा एस एफ एंट्रोपी में परिवर्तन, ये गुप्त ऊष्मा है। टी एफ क्या है? बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है। तो डेल्टा एच एफ आपको दिया हुआ है, पानी का आपको पता है, तो 273 हो गया, केल्विन में लेना होगा क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें टेम्परेचर केल्विन में बदलना है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी एंट्रोपी आ गई डेल्टा एस एफ इज इक्वल्स टू 22.07। एक मोल बर्फ के लिए इतनी एंट्रोपी है, तो दो के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 44.14 जूल प्रति डिग्री हमारी कैलकुलेट हुई। अब है जनरल कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, यानी उत्क्रमणीय रूपांतरण में तंत्र जब साम्य अवस्था से अनंत सूक्ष्म विस्थापित होता है। देखो, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं तो तंत्र बहुत जल्दी साम्य अवस्था में आ जाता है और वो साम्य अवस्था में ही रहना चाहता है, सबसे अधिकतम कार्य वहीं होता है। तो जब साम्य अवस्था है, हम उसको थोड़ा सा ताप दाब या आयतन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो अनंत सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है, यद्यपि रूपांतरण भी कह सकते हैं, तंत्र तो पुनः साम्य अवस्था में आ जाता है, और अगर सिस्टम के साथ सराउंडिंग भी साम्य अवस्था में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये उत्क्रमणीयता की शर्त है, यानी जनरल कंडीशंस हैं। यदि किसी प्रक्रम में उत्क्रमणीय रूप से किसी परम ताप टी पर, टेम्परेचर लिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तंत्र द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है डी क्यू, तो तंत्र की एंट्रोपी में जो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन डी एस है, वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या एंट्रोपी को हम क्या लिख सकते हैं, टी डी एस बराबर क्यू रिवर्सिबल, टी को मल्टीप्लाई किया। अगर प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अपने आप होगा, तो उस स्थिति में ये एक ही दिशा में होगा और टी डी एस का मान हमेशा क्यू रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, यानी जो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है उसकी तुलना में एंट्रोपी में परिवर्तन ज़्यादा होगा, और यही जो है वो स्वप्रवर्धिता या स्पॉन्टेनिटी की शर्त है। स्पॉन्टेनिटी की शर्त में ये होना चाहिए कि एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हमेशा अवशोषित ऊष्मा से ज़्यादा हो। अगर टी डी एस इज इक्वल टू क्यू है तो ये हमारी किसकी अवस्था है, साम्य अवस्था की या उत्क्रमणीय अवस्था की। इससे स्पष्ट हुआ कि जब हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं तो वो हमारे उत्क्रमणीय रूपांतरण को दर्शाता है, और अगर हम ग्रेटर का चिन्ह लगाते हैं तो वो हमारे अनुत्क्रमणीय रूपांतरण को दर्शाता है। फर्स्ट लॉ से देखें तो फर्स्ट लॉ में हम क्या है, डी ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू या क्यू बराबर डी ई प्लस डब्ल्यू। क्यू किसके बराबर है, टी डी एस के, तो हमने टी डी एस लिख दिया। बराबर दो कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू डी ई प्लस डब्ल्यू, या टी डी एस माइनस डी ई माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। अब वर्ग किसके बराबर है उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, पी डी वी के बराबर, तो हमने पी डी वी लिख दिया जीरो। अब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ साम्य अवस्था है, इक्वल्स टू का साइन है, तथा
वो किसके लिए है? उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए, और जहाँ ग्रेटर का निशान है वो स्वतः प्रक्रमों के लिए है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के साथ और दूसरे भी क्राइटेरिया थे। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, गिब्स एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।